अच्छा, तो अभी इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आइकन्स हमने डाउनलोड किए थे वो यहाँ पर लगाते हैं। डबल क्लिक किया हमने यहाँ पे, और ये जब तक लोड हुआ फ्रॉम फाइल किया, तो जो हमने आइकन्स थे वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए थे। अब डाउनलोड करके जो रखे हुए थे उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के आइकन्स हैं, हमें इसमें कौन सा लगाना है, फर्स्ट फेसबुक का आइकन लगाना है, दूसरा कौन सा लगाना है हमें उसके अंदर, यहाँ से क्लिक करके इंस्टाग्राम का लगाना है, डाउनलोड ही नहीं हुआ था, ट्विटर का लगा देते हैं। यहाँ से क्लिक करके हम ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम का डाउनलोड नहीं हुआ। मेरे पास इंस्टाग्राम का वैसे ही रखा हुआ होगा आइकन, शायद मैंने पहले डाउनलोड कर रखा था। तो यहाँ से हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ये रहा इंस्टाग्राम का, ठीक है। और व्हाट्सएप का आइकन लगाना है, तो यहाँ से क्लिक कर लेते हैं व्हाट्सएप के आइकन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास व्हाट्सएप के दो आइकन है, कोई भी एक आइकन आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए ऐड हो गया, सही। अब इनके जो आईडीज हैं वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है भाई। फेसबुक पे क्या अकाउंट है, स्लैश राशिद करके है जो भी, ठीक है। ट्विटर का जो अकाउंट है स्लैश, अब यहाँ पे क्लिक करके वो खोलेंगे इसका जो स्मार्ट डिजाइन का टास्क पैन है, इस पर क्लिक करेंगे स्लैश करके, इसमें हमारा है राशिद खान है, और इस पे भी राशिद खान के नाम से है, और इसके व्हाट्सएप पर हमारा जो नंबर है वो 03448343930 ये नंबर है हमारा, और ये हमने इस पे ऐड कर दिया अपना पूरा सोशल मीडिया का जो भी मामला थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइकन थोड़े से और बड़े नज़र आए इसके ऊपर, तो इनको हमने कुछ इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड तो कर दिया, इसके ऊपर दिखा भी दे रहे हैं ये इसके ऊपर, और अगर हमें इसको इवेंचुअली बोर्ड को थोड़ा बड़ा करना है टेक्स्ट बॉक्स को, तो यहाँ से क्लिक करके हम टेक्स्ट बॉक्स को बड़ी करने की कोशिश करें, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो इसके साथ एसोसिएट है। अच्छा, अब साथ में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हाइलाइट्स करने के लिए कि भाई ये जाहिर हो, तो हम इनको ऐसा करते हैं कि इनके जो कलर्स हैं वो बोल्ड करके शेड दे के और वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यही सारा काम इसके साथ कर देता हूँ, तो यहाँ से ही मेरा ऑफ हो गया। इसको मैं ऑटो हाइट के बजाय शो टैब्स एंड कमांड्स पर रख लेता हूँ, तो बोल्ड एंड वाइट, ठीक है। तो सिलेक्ट बोल्ड एंड वाइट, ये इस तरह से आएगा, और इसको भी यहाँ पे रख के बोल्ड एंड वाइट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हाइलाइट्स देने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि एक यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक शेप ऐड करा लेता हूँ, ठीक है, जो इसको इस तरह से कवर अप करेगा, ठीक। और उसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट तक ऐसे रख लेता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्पेसेस जाहिर तो हो जाएंगे, लेकिन ज़रा सोशल मीडिया किट को थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ हमें रखना पड़ेगा इसको इस तरीके से, ताकि ये इसके अंदर जाहिर रहे टेक्स्ट के हवाले से। और इस पे क्लिक करके जो मैंने ऐड कराया है इसको, फिर मैं करने ही वाला हूँ कि होम में जाके यहाँ से सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन पेन पर, नहीं सिलेक्शन पेन पर नहीं जाएंगे, शेप फॉर्मेट पे जाके, और इसको यहाँ से जाके और ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके इसको जो है थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो नीचे से जाके इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। और शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर देंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट है वो भी इसके ऊपर नजर आता रहे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद शुरू होता है काम। इसके बाद हमारे पास जो अगला काम इसमें शुरू होता है वो ये है कि अब इसके हमें एनिमेशन देना है, ठीक है, कि ये ऐसा लगे कि एक और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी ऐड करता है। अब ये काम थोड़ा सा जैसे आप अपने तौर पे करके देखिएगा, और नेक्स्ट पे फिर मैं इसको करके बता दूंगा आपको।